हेलो फ्रेंड्स, स्काई इन्फिनिटी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वह क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। और दोस्तों, आज की तारीख में शायद कोई व्यक्ति हो जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में ना जानता हो। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने से पहले आइए हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, जिसमें है क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है दोस्तों सीक्रेट, और करेंसी वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कोई सर्विस ले सकते हैं या किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस प्लान के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि हमें स्काई इन्फिनिटी को क्यों चुनना है। तो यहाँ पर आपको 12 प्रकार की USDT अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाइनांस की फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन स्पीड है। यह कॉन्सेप्ट पेयर टू पेयर सिस्टम पर काम करता है। बाइनांस स्मार्ट चेन पर होने के कारण इसकी लोएस्ट गैस फीस है। यह 100% डिसेंट्रलाइज है। 100% ग्लोबली वर्ल्ड वाइड फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है। 100% ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पर कोई भी एडमिन नहीं है। और यह वर्ल्ड का फर्स्ट 100% सिक्योर बाइनांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बिजनेस प्लान के बारे में। तो यहाँ पर आपको 4 प्रकार की इनकम मिलती है, जैसे लेवल इनकम, रॉयल्टी इनकम, इन्फिनिटी क्लब और ग्लोबल ऑटो पूल इनकम। पहले जानते हैं स्लॉट वैल्यू के बारे में। यहाँ पर आपको 10 स्लॉट मिलते हैं, जिसमें हर एक की वैल्यू प्रीवियस से डबल है। जैसे पहला स्लॉट है $10 से, दूसरा है $20 से, तीसरा $40 से, चौथा $80 से, और इसी प्रकार 10वां स्लॉट है $5,120 से। आप चाहे तो एक एक करके इन स्लॉट्स को ले सकते हैं या सभी स्लॉट को एक साथ ले सकते हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप प्रीवियस स्लॉट लिए बिना अगला स्लॉट बाय नहीं कर सकते। जैसे अगर आप दूसरा स्लॉट लेना चाहें तो आपको पहला व दूसरा दोनों स्लॉट एक साथ लेने हैं। इसी प्रकार अगर आप 10 स्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको 10 के 10 स्लॉट एक साथ ही लेने हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं लेवल इनकम के बारे में। तो यहाँ पर पहले लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होगा 40%, दूसरे पर 4, तीसरे पर 3, चौथे पर 2 और पांचवें लेवल पर 1% का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने $10 से ज्वाइन किया है तो $4 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले लेवल पर, 4 सेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा दूसरे लेवल पर, इसी प्रकार तीसरे पर 3, चौथे पर 2 और पांचवें लेवल पर 1% का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। आगे बढ़कर बात करते हैं ग्लोबल ऑटो पूल इनकम के बारे में। यहाँ पर पहला स्लॉट है जिसकी वैल्यू है $10। यहाँ पर आईडी आपको मिलते हैं $4, जिससे कुल $20 की इनकम जनरेट होती है। इसमें से $12 से आईडी अपग्रेड होगी और नेट प्रॉफिट बचेगा $8। इसी प्रकार दूसरे लेवल से आईडी मिलते हैं $12, जिससे कुल इनकम जनरेट होती है $60 की। इसमें से $36 से आईडी अपग्रेड होगी और नेट प्रॉफिट बचेगा $24। बात करें थर्ड लेवल की, तो यहाँ पर आईडी मिलते हैं $36, कुल इनकम बनती है $180 की। इसमें से $108 से आईडी अपग्रेड होगी, $20 कट होंगे और नेट प्रॉफिट बचेगा $52। और तीसरा लेवल कंप्लीट करने पर नेक्स्ट स्लॉट में एक आईडी अपग्रेड होगी। बात करें चौथे लेवल की, तो यहाँ पर आईडी मिलते हैं $108, कुल इनकम जनरेट होती है $540 की। इसमें से $324 से आईडी अपग्रेड होगी, $24 कट होंगे और नेट प्रॉफिट बचेगा $176। और यहाँ पर आपके पहले स्लॉट में 4 रिबर्थ लगती हैं। इसी प्रकार बात करें पांचवे लेवल की, तो आईडी मिलते हैं $324, कुल इनकम जनरेट होती है $1,620 की। इसमें से $972 से आईडी अपग्रेड होगी, $40 कट होंगे और नेट प्रॉफिट मिलेगा $608 का। और यहाँ पर पहले स्लॉट में आपकी 4 रिबर्थ और लगेंगी। इसी प्रकार बात करें छठे लेवल की, तो यहाँ पर आईडी मिलते हैं $972, कुल इनकम बनती है $4,860 की। इसमें से $60 कट होंगे और यहाँ पर कोई भी अपग्रेड ना होने के कारण नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा $4,800। इसके साथ ही छठा स्लॉट जैसे आप कंप्लीट करते हैं तो आपके पहले स्लॉट में ही 6 रिबर्थ लगती हैं। पहले स्लॉट की कुल इनकम की बात करें तो यहाँ से आपको $5,668 मिलते हैं। आपके पहले स्लॉट में ही 14 रिबर्थ आईडी लगती हैं और आपका नेक्स्ट स्लॉट में एक अपग्रेड रहता है। आगे बात करते हैं स्लॉट 2 के बारे में, जो है $20 से। पिछले स्लॉट की तरह यहाँ पर भी 6 लेवल हैं। कुल इनकम दूसरे स्लॉट से आपको बनती है $11,336 की, 14 रीबर्थ आईडी लगती हैं और एक नेक्स्ट स्लॉट में अपग्रेड रहता है। इसी प्रकार बात करें थर्ड स्लॉट की, तो इसकी वैल्यू है $40। यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट मिलता है $22,672, 14 आईडी रीबर्थ लगती हैं थर्ड स्लॉट में और एक नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेड रहता है। बात करें चौथे स्लॉट की, तो इसकी वैल्यू है $80। यहाँ से आपको कुल इनकम मिलती है $45,344, चौथे स्लॉट में आपकी 14 रीबर्थ लगेंगी और एक अपग्रेड रहेगा नेक्स्ट स्लॉट के लिए। इसी प्रकार बात करें पांचवे स्लॉट की, तो इसकी वैल्यू है $160। इसमें लेवल बढ़कर हो जाएंगे 8, कुल प्रॉफिट बनेगा $46,464। पांचवे स्लॉट में 14 रीबर्थ लगेंगी और एक नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेड रहेगा। बात करें छठे स्लॉट की, तो इसकी वैल्यू है $320। इसके भी 8 लेवल हैं, नेट प्रॉफिट मिलेगा $92,928। छठे स्लॉट में 14 रीबर्थ लगेंगी और एक नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेड रहेगा।
इसी प्रकार बात करें सातवें स्लॉट की तो इसकी वैल्यू है $640। 8 लेवल हैं और यहाँ से आपको 185,856 डॉलर मिलते हैं। सातवें स्लॉट में आपकी 14 रीबर्थ लगती हैं और एक नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेड रहता है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं आठवें स्लॉट की तो इसकी वैल्यू है $1,280। यहाँ से कुल प्रॉफिट मिलेगा $371,712 डॉलर। आठवें स्लॉट में 14 रीबर्थ आईडी लगेंगी और एक नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेड रहेगा। बात करें नौवें स्लॉट की तो इसकी वैल्यू है $2,560 डॉलर। नेट प्रॉफिट मिलेगा $1,14,688 डॉलर। नौवें स्लॉट में 4 रीबर्थ लगेंगी और नेक्स्ट स्लॉट के लिए एक अपग्रेड रहेगा। इसी प्रकार बात करें दसवें स्लॉट की तो इसकी वैल्यू है $5,120 डॉलर। यहाँ से होने वाली कुल इनकम की बात करें तो आपको मिलते हैं $2,39,616 डॉलर और दसवें स्लॉट में आपकी 4 रीबर्थ लगती हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं रॉयल्टी इनकम के बारे में। रॉयल्टी लेने के लिए दो कंडीशन है, या तो आप 10 के 10 स्लॉट एक साथ बाय करें या फिर आप खुद अपनी आईडी एक्टिवेट करें 5 स्लॉट लेकर, और कम से कम 3 मेंबर आपने लगाने हैं जिन्होंने अपने 5 स्लॉट एक्टिवेट किए हों। बात करें कैपिंग की तो अगर आपने 10 स्लॉट एक साथ लिए हैं तो आपकी कैपिंग रहती है $5,000 और अगर आपने 5 स्लॉट वाली कंडीशन को पूरा किया है तो आपकी कैपिंग रहती है $500। यहाँ पर आप अपनी कैपिंग को बढ़ा भी सकते हैं और इसके लिए आप चौथे से आगे जैसे ही नया डायरेक्ट करते हैं तो आपकी कैपिंग पर आईडी $150 बढ़ती है। जैसे पहले आपकी कैपिंग थी $500 और आप दो और नए डायरेक्ट आईडी लगा देते हैं तो यह कैपिंग बढ़कर हो जाएगी $800। रॉयल्टी के लिए कंपनी 8% का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। आगे बात करते हैं इन्फिनिटी क्लब के बारे में। जितने भी मेंबर 10 स्लॉट लेकर आईडी एक्टिवेट करते हैं वह ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाते हैं इन्फिनिटी क्लब के लिए। इसकी कैपिंग लिमिट है $5,000 और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉलेट में जितना भी अमाउंट कलेक्ट होता है उस अमाउंट का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभी इन्फिनिटी क्लब अचीवर्स में। दोस्तों यह बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और आपको इनकम देने के लिए ही बनाया गया है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए जल्द से जल्द शुरुआत कर देते हैं। सो दोस्तों आपको आपका फ्यूचर ब्राइट करने के लिए जल्द से जल्द इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने यह वीडियो आपको शेयर किया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आपने दोस्तों अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।